हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो टाइटल से कि आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। एज यू ऑल नो दैट फेस्टिव सीजन इज अराउंड द कॉर्नर। अभी जैसे राखी आने वाली है, फिर जन्माष्टमी एंड फिर बैक टू बैक तीज त्योहार, जितने भी सारी चीजें हैं वो हमारी स्टार्ट हो चुकी है। सो आई एम श्योर आप लोग अपने लिए नए नए क्लोथ्स डेफिनेटली परचेस करेंगे इंडियन वेयर में। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ में कुछ अपने इंडियन वेयर की मैंने शॉपिंग करी है वो मैं शेयर करने वाली हूँ। अपने फेस्टिव सीजन में शॉपिंग करने के लिए दिस इज द बेस्ट टाइम। एक्चुअली इस टाइम पे कलेक्शन बहुत अच्छा आया रहता है एंड अमेज़न पर ग्रेट फ्रीडम सेल स्टार्ट हो चुकी है आज से, यानी कि 6 अगस्त से लेकर के 10th ऑफ अगस्त तक। इसमें बहुत अमेजिंग डिस्काउंट्स आपको मिलने वाले हैं। प्राइम यूजर्स के लिए ये सेल 5th ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अगर आप प्राइम यूजर नहीं है तो आप आज से शॉपिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग अच्छे अच्छे ऑफर्स आए हैं। तो कुछ आपको जो मैंने मंगवाए हैं मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, उसमें से अगर आपको कुछ पसंद आएगा तो आप डेफिनेटली मंगवाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे सूट्स की लिंक दी रहेगी, बिल्कुल फेस्टिवल अप्रोप्रिएट है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना फेवरेट पीस। मैं पहले ना सूट्स बहुत स्टिच करवाती थी, बट मेरे साथ मेरे को कभी भी परफेक्ट जो डिजाइनर होता है या टेलर होता है मुझे नहीं मिलता है। हमेशा मेरे साथ ऐसा होता था कि मुझे ऑल्टर कराने जाना है या कुछ कराने जाना है, कभी पजामा बिगाड़ दिया, कभी सलवार बिगाड़ दी, कभी कुर्ता बिगाड़ दिया, तो मेरे साथ हमेशा ऐसा होता होता। अब लास्ट आई थिंक 3-4-5 ईयर्स आफ्टर मैरिज मैंने कोई सूट अपना स्टिच वगैरह नहीं करवाती हूँ। मैं मतलब एक हाथ करवाया हो तो करवाया हो, अदरवाइज मैं मोस्टली जो सूट्स है वो ऑनलाइन ही परचेस करती हूँ। प्रॉपर कॉटन के सूट परचेस करती हूँ, मुझे ऑनलाइन ज़्यादा अच्छी फिटिंग लगती है और प्राइस वाइज भी मुझे बहुत सही पड़ता है। आप 700-800-900 रुपए का तो कपड़ा खरीदोगे ना, कॉटन का भी खरीदोगे तो 500 रुपए का कपड़ा आएगा, 400-500 रुपए सिलाई लगती है, फिर 1000 रुपए तो आपका लग ही जाता है और उसमें भी कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है तो दिमाग का दही हो जाता है। सो आई लाइक ऑनलाइन सूट्स परचेस करना, एक तो अच्छे डिस्काउंट पे मिलता है एंड देन उसके बाद मेरी चॉइस की फिटिंग आ जाती है। जनाइसा का वेरी वेरी प्रिटी सूट, बहुत ही प्यारा सूट है। सबसे अच्छी बात, पहली बात तो ये कॉटन नहीं है, बट स्टिल अनकंफर्टेबल बिल्कुल नहीं लगेगा कॉटन नहीं होने के बाद भी, क्योंकि जो फैब्रिक है ना वो बहुत अच्छा है, गंदा फैब्रिक नहीं है जो आपकी बॉडी पे चुभे या ऐसा कुछ हो, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है। वहां पर डिजाइन देखिए, बहुत प्यारी ऐसी हल्की हल्की सी डिजाइन बनी हुई है एंड पूरे सूट पे ना इस तरीके की बॉर्डर्स हैं जिसकी वजह से ये बड़ा ही प्यारा सा फेस्टिव वियर टाइप का सूट हो जाता है। इट्स नॉट वेरी चंकी एंड नॉट वेरी सिंपल एज वेल। उसके बाद जो इसका प्लाजो है वो है ये, काफी अच्छा प्यारा सा प्लाजो है, ब्रॉड लेग प्लाजो है ये। दिस इज द ब्रॉड लेग प्लाजो जिसकी फिटिंग वगैरह सब कुछ बहुत ज्यादा टॉप नॉच है। यहाँ पर आगे बांधने का आ जाता है, थ्रेड दे देते हैं। उसके बाद इसका जो दुपट्टा है ना, दुपट्टा भी एकदम ऐसे सिंपल नहीं है, पतला सा प्यारा सा दुपट्टा है एंड उसके यहाँ पर आप देखेंगे तो ऐसे गोल्डन कलर की बॉर्डर्स दी हुई है। तो आई रियली लाइक दिस सूट, बहुत ही गर्ली स्टाइल में, मतलब किसी भी एज की वुमेन इसको डेफिनेटली कैरी कर सकती है, बट इट हैज एसेंस ऑफ वेरी फ्रेशनेस एंड गर्ली लुक का एसेंस है इसके अंदर। तो मुझे ये सूट बहुत ज्यादा पसंद आया है, आई रियली लाइक इट। बाद आते हैं नेक्स्ट सूट पे, तो ये भी काफी प्यारा ऐसे फेस्टिव वाइब देता है। तो दिस इज द कॉटन सूट, काफी प्यारा सा ऐसे कोरल एंड पिंकिश टाइप का इसका कलर है। इसके अंदर रेड कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं एंड यहाँ पर रेड कलर की पाइपिंग दी हुई है, इवन नेक पे भी ऐसी हल्की बहुत पाइपिंग दी हुई है। इसका जो ब्रांड है दिस इज बाय इंडो एरा। तो बॉटम है वो अगेन प्लाजो स्टाइल में, बहुत ज्यादा ब्रॉड इसका लेग नहीं है, बट आप इसके पैरों पे देखेंगे तो यहाँ पर अगेन गोल्डन गोटा पट्टी से गोल्डन वो दिया हुआ है एंड इधर पे भी ऐसे गोल्डन पाइपिंग बनी हुई है और एक यहाँ पर जिस प्रिंट का कुर्ता है उसी प्रिंट का यहाँ पर एक बॉर्डर इन्होंने लगा दिया है। सो दिस इज द कुर्ता एंड दिस इज द कुर्ता एंड दिस इज द बॉटम। अब इसकी दुपट्टे की बात करते हैं, इसका दुपट्टा बहुत ज्यादा सुंदर है, जो इसमें प्रॉपर उठाव और लुक क्रिएट करता है ना वो इस दुपट्टे की वजह से ही आता है। वेरी प्रिटी दुपट्टा, दिस इज द दुपट्टा, प्रॉपर कॉटन का दुपट्टा है। दो आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ दिस काइंड ऑफ दुपट्टा, बट आई थॉट कि तीज वगैरह आएगा, ऐसे फेस्टिवल्स आएंगे तो उस पर पहनने के लिए अच्छा है, नॉट बैड। तो मरून कलर का इसका दुपट्टा है, मरून एंड रेड एंड इसके अंदर गोल्डन हल्के हल्के से ऐसे हिंट्स दिए हुए हैं। तो इट्स अ वेरी स्मार्ट पीस, इवन इफ आई एम वेयरिंग दिस कुर्ता एंड प्लाजो विदाउट दुपट्टा ना तो भी ये बहुत अच्छा लग रहा है। सो यस, दिस इज माय नेक्स्ट प्रोडक्ट एंड आई थिंक आपको ना एकदम से
लाइटिंग में चेंजेस दिखेगा बिकॉज धूप जो है वो आ रही है और जा रही है और मैं यहाँ ऊपर वाले रूम में बैठी हुई हूँ. ये भी प्योर कॉटन है. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लुक एट द कलर ऑफ दिस कुर्ता. इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल. बहुत ज्यादा प्यारा है. मतलब मैंने अभी तक इस तरीके के कलर का कोई कुर्ता नहीं पहना है. इट्स अ प्रॉपर जो स्काई ब्लू कलर होता है ना, स्काई ब्लू टाइप का कलर मिक्स है इसके अंदर. सो वेरी ब्यूटिफुल. और कुर्ता इसका बहुत प्यारा है. फिटिंग वगैरह इसकी बहुत सही आई थी. उसके बाद जो उसका बॉटम है वो कुछ इस तरीके का बॉटम है. कलर देखिए आप, कलर इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल. पेस्टल टाइप का कलर है. आई रियली लाइक इट. मैंने इस तरीके का कलर लिटरली नहीं पहना हुआ है. और ये इसका दुपट्टा है. बहुत सॉफ्ट फैब्रिक का दुपट्टा है एंड दिखने में बहुत सुंदर लगता है ये. मतलब इट्स अ वेरी स्मार्ट पीस. इफ यू आर समवन हु गोज ऑफिस और या आपको नॉर्मली भी थोड़े स्मार्ट कॉटन के सूट्स चाहिए ना, तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं. इट्स वन ऑफ द रिच लुकिंग पीस है. बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा लगता है. उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सूट पे. अगेन ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट सूट है. पहले मुझे लग रहा था, मतलब जब मैंने इसको देखा तो मुझे लगा अरे ऐसी डल कलर है इसको तो मैं पता नहीं शायद ही रखूंगी, मम्मी के लिए मंगवा दूंगी थोड़ा एक बड़ा साइज वो करके. बट जब मैंने इसको पहन के देखा, आई वॉज लाइक द कम्फर्ट इज सो गुड. मतलब इसका जो कम्फर्ट है ना वो बहुत ज्यादा प्यारा है. एंड पहनने के बाद जो कुछ कलर्स होते हैं ना जो खिलते हैं आपकी स्किन के ऊपर, ये वैसा कलर था जो इंडियन स्किन टोन में बहुत प्यारा लगने वाला है. एंड इसमें ना ऐसे छोटे छोटे आप देखोगे तो ये दिए हुए हैं, ऐसे बीट्स ग्लास टाइप के छोटे छोटे लगे हुए हैं. एंड वेरी वेरी कंफर्टेबल सूट. इसका जो बॉटम है वो भी इसी टाइप के कलर का है. एंड दिस इज द दुपट्टा. अगेन आई एम द फैन ऑफ दिस दुपट्टा. इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी बिग दुपट्टा. एंड ऐसा लग रहा है जैसे ये हैंड वाले जो ब्लॉक प्रिंट्स होते हैं ना, उस तरीके का दुपट्टा बना हुआ है. आई एम श्योर दिस इज नॉट ब्लॉक प्रिंट वाला, बट प्राइस के हिसाब से मतलब दिस इज एन अमेजिंग पीस. या आराम से आपको जो ये एग्जीबिशंस वगैरह लगती है ना, उसमें इस तरीके के सूट ढाई तीन हजार के मिलते हैं. मतलब हमारे उधर तो ऐसे ही मिलते हैं और इवन नॉर्मल शॉप्स भी ये काफी एक्सपेंसिव मिलते हैं. बट ये इतनी प्यारी फिटिंग, इतना सब कुछ इसका इतना प्यारा है कि आप रेगुलर यूज के लिए इसको ले सकते हो. मतलब फेस्टिव में तो आप पहन ही सकते हो छोटे मोटे किसी फंक्शन में, बट आप इसको रेगुलर उसमें भी कैरी कर सकते हो. इट्स दैट काइंड ऑफ सूट. Now coming to my next piece is this proper जो दिवाली राखी फेस्टिवल्स आने वाले हैं उसके अप्रोप्रिएट सूट है ये. अगेन दिस इज अ वेरी प्रिटी सूट. ये इसका कुर्ता है जो कि बड़ा ही प्यारा है. ऐसे ए लाइन अनारकली पैटर्न में ये कुर्ता है. दिस इज द कुर्ता एंड स्लीवलेस कुर्ता है ये. सो इसका प्रिंट भी आप देखेंगे, जो इसका बॉटम है वो इस तरीके का है. जैसा मैंने ब्लू बताया था ना, ये सेम ब्रांड का है और उसी टाइप का है. दिस इज द बॉटम फैब्रिक ऑफ दिस. मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है. एंड दिस इज द दुपट्टा. सो वेरी ब्यूटिफुल सूट. लाइक आप अभी राखी वगैरह आ रही है तो आप राखी के लिए इसको कंसिडर कर सकते हैं. मतलब आप इसका कॉम्बिनेशन देखिए तो कॉम्बिनेशन इज वेरी प्रिटी. ओनली द ड्रॉबैक ऑफ दिस सूट इज फैब्रिक. अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जब बहुत ह्यूमिडिटी और गर्मी नहीं होती, आप डेफिनेटली इसको कैरी कर पाओगे बिकॉज स्लीवलेस है. मुझे गर्मी ज्यादा लगती है तो मुझे ऐसा लगता है डाउट कि मैं इसको कैरी कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी. अदरवाइज द सूट इज वेरी प्रिटी लुकिंग सूट. दैट्स इट फॉर द वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, कमेंट डाउन बिलो. मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.